खबर दुर्ग से है, जहां अचानक से हो रही बारिश के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि जिले के धमधा, दुर्ग और पाटन तीनों क्षेत्र में अचानक बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल प्रभावित होने से किसान परेशान हैं। यहां करीब 13 से 14 हेक्टेयर फसल खराब हुई है। आपको बता दें, फसलों के नुकसान के बाद किसानों की फसलों का सर्वे कराया जा रहा है। इसके बाद शासन को भेजकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसानों से बताया कि जिले में कई जगहों पर खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे करीब 40% फसल खराब हो गई है। पिछले साल बारिश और आंधी में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। इसके साथ ही किसानों ने शासन से मुआवजे की मांग की है। अपना पपीता खराब हुआ है, टमाटर खराब हुआ है और पत्ता गोभी भी खराब हुआ है। तो पपीता में क्या हो गया? दाग धब्बा ज्यादा आ गया है मौसम की वजह से। पानी गिरा भी, हफ्ते भर से पानी गिरा बीच में, इसलिए खराब हो गया पूरा। और गोभी क्या हुआ? गोभी भी कीड़ा वीड़ा आने लग गया बदली की वजह से, सब इसलिए, और पानी की थोड़ा से ज्यादा हो गया इसलिए। और किसी बात की, और फसल की क्या हालत है अभी? तो बाकी फसल तो ठीक है समय के साथ। पपीता और टमाटर, इसमें बस दिक्कत आया है। टमाटर भी खत्म हो गया? हाँ, टमाटर पूरा खत्म हो गया।